हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पर। मेरा नाम है सुमित और आज फ्रेंड्स जो 18 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है उसके कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे सब्सक्राइबर द्वारा हमें भेजे जा चुके हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न जो है वो आज पूछे गए थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहेंगी। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, कौन कौन से प्रश्न वो आज पूछे गए थे। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, जो पहला वीडियो यहाँ पर आप अपलोड कर चुके हैं वो जो कि जीके और करंट अफेयर्स हमने उसमें डिस्कस किए थे, लगभग 30 क्वेश्चंस जो हैं, और बाकी के क्वेश्चंस जो ये वीडियो जो है वो साइंस का है, केवल हम यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस जो है हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजे गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पर है, देखिए मिनीमोटा बीमारी जो है वो किस रसायन के कारण होती है, किस केमिकल के कारण जो है वो मिनीमोटा नाम की जो बीमारी है वो होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मरकरी का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस हार्मोन्स के कारण पौधे जो हैं वो सनलाइट की ओर जो है वो झुके रहते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, RRB ALP में भी जो है वो पूछा गया था। देखो देखिए इसका जो हार्मोन्स का नाम है वो है ऑक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। कौन सा हार्मोन्स है? ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण जो है पौधे जो है ना सूर्य की ओर जो है वो झुके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा था कि हु डिस्कवर्ड RH फैक्टर, ठीक है, मतलब RH फैक्टर की जो खोज है वो किसने की थी। देखिए ये RH फैक्टर की जो खोज है ना वो किसने की थी, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। और कल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। देखिए ब्लड ग्रुप की जो है, आप कंफ्यूज ना किया करें, हमें जो है आप कंफ्यूज कर रहे थे कि कमेंट करके कि जो है सर जो ब्लड ग्रुप की खोज है वो तो क्या नाम है विलियम हार्वे ने की थी हैं, तो वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने रिसर्च किया था लेकिन जो सक्सेस जो हुए थे वो उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो किसने की थी हु डिस्कवर्ड RH फैक्टर, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो ये भी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सफ़ेद रेशे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए सफ़ेद रेशे जो है वो यानी जो वाइट फाइबर्स होते हैं वो शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं हमारे मांसपेशियों में, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मांसपेशियों में जो है वो सफ़ेद रेशे पाए जाते हैं। फिर आपका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो देखिए मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें कहते हैं हम ज़ीरोफाइट, क्या कहते हैं इन्हें, ज़ीरोफाइट कहते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये ऑप्शन में दे रखा होगा तो आपका यही वाला उत्तर जो है आपका राइट होगा, ठीक है, निश्चित रूप से आपको दे रखा होगा, हमें जहाँ तक पता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सबसे भारू धातु कौन सी है। सबसे भारू धातु जो है फ्रेंड, जो सबसे जो हैवीएस्ट धातु है वो है आपका ऑस्मियम धातु है, ठीक है। कौन सी धातु सबसे भारी जो है वो ऑस्मियम है। तो यहाँ पर कुछ लोग कन्फ्यूज कर रहे थे, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे कठोर धातु यदि आपसे पूछा जाए ना तो वो आपका प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है। सबसे कठोर धातु आपका प्लेटिनम हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है तो वो आपका डायमंड हो जाएगा, ठीक है। सबसे कठोर तत्व आपसे पूछा जाए तो वो डायमंड हो जाएगा, सबसे भारी धातु पूछी जाए तो वो ऑस्मियम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सबसे छोटा पक्षी का नाम पूछा था, तो सबसे छोटे स्मॉलेस्ट बर्ड का नाम पूछा था वो आपका हमिंग बर्ड्स होती है, ठीक है। हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा पक्षी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इनर्ट गैस पूछी थी आपकी जो है कौन सी जो है वो इनर्ट गैस है। तो आपके ऑप्शन जो है वो हमारे पास नहीं है, ऑप्शन में से आप जो है देख कर लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने बनाई थी, इसका निर्माण जो है वो किसने किया था। आज आवर्त सारणी से फ्रेंड 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो है आवर्त सारणी से क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने बनाई है, तो वो बनाई है फ्रेंड्स मौजले ने बनाई थी। जो है आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था आधुनिक का, वो मौजले ने किया था, ठीक है। फिर है, परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई थी, ये हिमाचल प्रदेश में आया हुआ है, ठीक है, ये हिमाचल जोन का क्वेश्चन है। और ये है आपका, परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो इसका आंसर भी आपका मौजले ही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 हॉर्स पावर में जो है किसके बराबर होता है, हॉर्स पावर में जो है वो कितने वाट होते हैं। तो देखिए हॉर्स पावर में आपको मैं 50 बार बता चुका हूँ कि 746 जो है वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए ऊतकों का निर्माण जो होता है वो आपकी जो सेल्स होती हैं उसमें, यानी कोशिकाएं भी कहते हैं हिंदी में, तो सेल्स के द्वारा जो है वो उसका जो ऊतकों का निर्माण जो है वो होता है, ठीक है। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर पूछा गया एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका ये है, यदि किसी वस्तु का वेग जो है वो दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वस्तु का जो वेग है वो दोगुना कर दिया जाए, मान लीजिए वस्तु का वेग v था और अब 2v कर दिया जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ 1/2 mv², ठीक है। तो हाफ जो है वो m और b की जगह आपका 2v हो जाएगा आपका, तो इसका क्या हो जाएगा 4v², ठीक है। तो देखिए ये आपका जो है वो 4 times जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, पहले हाफ एम बी बी स्क्वायर होता है और यहाँ पर 4 गुना हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा पहले का, ठीक है। ये इफेक्ट उस पर पड़ेगा। फिर क्वेश्चन था हमारा एक, आवर्त सारणी में 17वें ग्रुप को क्या कहते हैं, 17वें ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा हैलोजन ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है वो, हैलोजन ग्रुप कहलाता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई वाली सुनी बात है नहीं कि इसमें 17वें ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो आवर्त सारणी में आज जो है वो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है वो आवर्त सारणी को जरूर याद करके और पढ़कर जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जो है वो 100% यहाँ से 101% मैं यहाँ कहूँगा कि आपको जो है वो क्वेश्चन यहाँ से जरूर जो है वो मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपको बता दिए फ्रेंड्स जो हैं। और यदि आपने हमारा चैनल जो है फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है इसकी। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स जो है, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें अपने व्हाट्सअप फेसबुक जहाँ पर भी आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप हर जगह इस वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को जो है वो देख पाएँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।